प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल विकसित भारत की गारंटी देते फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी के भी पूरा होने की गारंटी, लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब है बेरोजगारी, मोदी की गारंटी का मतलब है पढ़े लिखे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और मोदी की गारंटी का मतलब है देश के युवाओं के लिए नौकरियों के लिए दर दर भटकने वाली एक भीड़ का तैयार हो जाना। हम ये बातें हवा में नहीं कह रहे हैं बल्कि आंकड़े इस बात की गारंटी दे रहे हैं। मोदी सरकार के विकसित भारत की पोल खोलने के लिए देश में बेरोजगारी पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक भारत के कुल बेरोजगारों में 83% नौजवान हैं। वही नौजवान जिन्हें पीएम मोदी अच्छे दिनों का वादा करके सत्ता में आए थे लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं, वही नौजवान जिन्हें राम नाम की एक धुन थमा दी गई है, राम नाम का लॉलीपॉप तो थमा दिया जा रहा है लेकिन अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए रोजगार नहीं दिया जा रहा। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ने मोदी सरकार के 10 साल के दावों की सारी पोल खोल कर रख दी है। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के बेरोजगारों में 83% युवा हैं, यानी जितने बेरोजगार हैं उसमें 83% सिर्फ युवा हैं। आईएलओ की रिपोर्ट में बताया गया है कि बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी बड़ी है, यानी लोग पढ़ लिख रहे हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही। भारत के कुल बेरोजगार लोगों में साल 2022 में 65.7% शिक्षित युवा रहे जबकि साल 2000 में ये हिस्सेदारी 54.2% थी, यानी मोदी सरकार के राज में ये बढ़ गई है, करीब 66% हो गई है जबकि सन 2000 में ये 54% के आसपास थी। यानी मोदी राज में युवा पढ़ लिख कर डिग्रियां तो ले रहे हैं लेकिन उन्होंने उनकी नौकरी उनको मिल जाए ऐसा कोई काम नहीं किया, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही और साल दर साल ये बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में माध्यमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ने की अभी भी काफ़ी ज़्यादा दर है, यानी बहुत सारे जो छात्र हैं वो दसवीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे और वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, खासकर गरीब राज्यों में और हाशिए पर रहने वाले समाज यानी कि दलित आदिवासी पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों से आने वाले युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं क्योंकि इनका असर सबसे ज़्यादा उन्हीं पर पड़ता है जिनके पास विशेषाधिकार नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है और उनके पास बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं हैं, वो ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। मोदी सरकार उन्हें ना नौकरी दे पा रही है और ना ही नौकरी मिलने का भरोसा दे रही है, बस उनको मुफ्त राशन का एक इस तरह से बना दिया गया है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, यानी उस राशन पर निर्भर बना दिया गया है कि वो इतने बेचारे गरीब लाचार हो गए हैं कि वो जिंदा रहने के लिए उस राशन पर निर्भर हो गए हैं, ऐसा समाज वो बना रही है। आलम यह है कि या तो युवा सोशल मीडिया पर रील बनाकर खुद को बेरोजगार फील करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक एक वैकेंसी के लिए हजारों लोग आवेदन कर रहे हैं। आप देखिए कि कोई भी वैकेंसी निकलती है, एक पोस्ट होगी, 10 पोस्ट होगी, हजारों लाखों कैंडिडेट वहां पर उसके लिए आवेदन करते हैं। रही सही कसर हिंदू मुसलमान की चक्की में जनता को पीस कर पूरी कर ली जाती है। हिंदू मुसलमान, चीन, पाकिस्तान, देशभक्ति और जय श्री राम के नारों के साथ जनता को भीड़ में तब्दील कर गुलामी का रास्ता तैयार किया जा रहा है क्योंकि आईएलओ की रिपोर्ट बताती है कि भारत के युवा पढ़ लिख तो रहे हैं लेकिन उनमें बेसिक स्किल्स भी डेवलप नहीं हो रही। रिपोर्ट में भारत के युवाओं में बुनियादी डिजिटल साक्षरता की कमी के बारे में बताया गया है, इस वजह से उनकी रोजगार की जो कहीं की पॉसिबिलिटी है, क्षमता है, उसमें रुकावट आ रही है। बताया गया है कि 90% भारतीय युवा स्प्रेडशीट में मैथ्स के फॉर्मूले लगाने में असमर्थ है, यानी वो एक्सेल सीट में स्प्रेडशीट में मैथ के फॉर्मूले तक नहीं लगा सकते। वहीं 60% युवा किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट तक नहीं कर सकते। 75% युवा ऐसे हैं जो किसी अटैचमेंट के साथ ईमेल भी नहीं भेज सकते। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ऐसी राम धुन पर नौजवान भी खूब रील्स बना रहे हैं लेकिन उन्हें ईमेल भेजना तक नहीं आ रहा, उनमें ऐसी जो बुनियादी डिजिटल साक्षरता है वो नहीं है। ऐसे युवाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है लेकिन स्किल्स और काबिलियत बढ़ाने की बात नहीं हो रही। जब भी शिक्षा और रोजगार की बात होती है तो जोर से जय श्री राम का नारा लगा दिया जाता है और जनता उसी में मगन हो जाती है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में महिलाओं के लिए काम करना किसी चुनौती से कम नहीं है और युवा पढ़ी लिखी महिलाओं को तो नौकरी पाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वर्कफोर्स में जेंडर गैप साफ साफ देखा जा सकता है। पीएम मोदी शक्ति की बात तो करते हैं लेकिन शक्ति कही जाने वाली युवा लड़कियों को नौकरियां नहीं दे पा रहे, इस बारे में वो कुछ नहीं बोलते, वो ये नहीं बताते कि क्यों पढ़ी लिखी लड़कियों को नौकरियां नहीं मिल पा रही। हाँ, चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम पर फिर से जनता को अच्छे दिन आने का सपना जरूर दिखाया जा रहा है।
ILO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में लोगों की सैलरी भी नहीं बढ़ रही। रिपोर्ट के मुताबिक देश में लोगों का वेतन ज्यादातर एक जैसा रहा है, यानी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और कई बार वेतन में गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट कहती है कि जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनकी सैलरी में भी 2019 के बाद से गिरावट ही दर्ज की गई है। जो मेहनतकश लोग जिनके पास कोई खास स्किल्स नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन्हें तो 2022 में न्यूनतम वेतन भी नहीं मिला, उनको मिनिमम वेज भी नहीं मिल पाया है। ऐसी हालत है देश की। ये रिपोर्ट देखकर मोदी सरकार और उनके मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए कि जनता को कैसे रोजी रोटी से दूर किया जा रहा है, लेकिन नेताओं में शर्म होती कहाँ है जो वो अपनी कारगुजारियों पर शर्मिंदा हों। इसलिए इस साल जब भी कोई बीजेपी या उनके सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो उन्हें ये रिपोर्ट दिखाइए और पूछिए कि आपके बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, क्यों आपके बेटे बेटियां पढ़ लिख कर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सवाल देश के हर मतदाता को जरूर पूछना चाहिए और सोच समझ कर ही अपना कीमती वोट देना चाहिए, वरना फिर से जनता को चुनावी वादों की चाशनी चटाकर भूखा छोड़ दिया जाएगा और ऊपर से कह दिया जाएगा कि ये मोदी की गारंटी है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं कि मोदी सरकार ने जो 10 साल का कामकाज किया है उसको आप कैसे देखते हैं। जल्द ही चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, तो किसको वोट दे रहे हैं उस बारे में आप अपनी राय कमेंट के जरिए तक पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें, जनता को जागरूक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।